सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉल पॉइंट पेन से शेडिंग कैसे करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक पेपर, कोई भी पेपर चलेगा, एंड एक बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन में आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रेनॉल्ड्स का पेन यूज़ कर रहा हूँ, 5 या 6 रुपये का कहीं से भी मिल जाता है। तो पेन से शेडिंग करने के लिए आप सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करके आप डार्क टोन क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बहुत ही कस के प्रेस करूँगा पेन को तो डार्क सी लाइन बन गई, और अगर मैं लाइटली करूँगा तो हल्की सी लाइन बन गई। तो बेसिकली लाइन की थिकनेस से हम लोग यहाँ पे डार्कनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इस बेसिक टेक्निक को यूज़ करके हम लोग कैसे शेडिंग करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। टोटल 6 तरीके हैं जिससे आप शेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग 6 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये सर्कल मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, बट आप कॉइन भी यूज़ कर सकते हो। तो 6 सर्कल्स हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला तो है क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग लाइंस क्रॉस करके बनाते हैं इसमें। तो कुछ इस तरीके से चलता है ये पैटर्न कि पहले एक डायरेक्शन में आप लाइंस ड्रॉ करते जाओगे एंड फिर दूसरे डायरेक्शन में इसको क्रॉस कर देंगे। तो जहाँ पे डार्क चाहिए हम वहीं पे क्रॉस करेंगे, एंड जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ पे हम बहुत ही हल्की हल्की लाइन ड्रॉ करके डार्कनेस कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मैंने देखा, यहाँ पे एक शेडिंग का पैटर्न बन गया है। तो अब यहाँ से लाइट पड़ रही है एंड ये हमारा लाइटेस्ट एरिया है और ये हमारा डार्केस्ट एरिया होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले एक सिंगल डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड जैसे जैसे आप लाइट एरिया के पास आते जा रहे हो अपने पेन से प्रेशर कम अप्लाई करना जिससे पतली लाइन ड्रॉ हो एंड वो लाइट दिखे, एंड इस एरिया को हम लोग कम्प्लीटली छोड़ देंगे। तो जो हमारी हाईलाइट है वहाँ पे हमें बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेयर हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, अब इसी में हम लोग जो है क्रॉस करेंगे। तो ये हमारा डार्केस्ट एरिया था तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें चाहिए ये पूरा जो एज है ये डार्केस्ट हो एंड ये लाइट होती चली जाए यहाँ तक आते आते। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इस डायरेक्शन में हमने डार्क कर लिया। ओके, एंड फिर हम इस डायरेक्शन से क्रॉस करेंगे, एंड अगेन लाइट एरिया के पास आते आते हम लोग प्रेशर कम करते जाएंगे पेन का। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा ये। ओके, एंड फिर हम लोग एक और लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेडिंग का पैटर्न बन गया है, जहाँ पे ये लाइटेस्ट एरिया और ये डार्केस्ट एरिया है। ओके, आई होप क्रॉस हैचिंग आपको समझ में आ गई होगी। इससे अगला तरीका है हैचिंग। तो ये सिर्फ हैचिंग है, यहाँ पे हमें लाइंस क्रॉस नहीं करनी। अगेन यहाँ पे अगर ये लाइटेस्ट एरिया है हमारा, यहाँ पे हमें हाइलाइट्स बचा के रखनी है, ये हमारा डार्केस्ट एरिया होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक तो हम प्रेशर यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पे यूज़ किया था, और हम लोग लाइंस की डेंसिटी यूज़ करेंगे दिखाने के लिए कहाँ पे डार्क एरिया है कहाँ पे लाइट एरिया है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप जो है स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लो पहले यहाँ तक, एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कम प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे पेन पे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। अब सेकंड लेयर में हम लोग जैसे यहाँ पे सेकंड लेयर में हम लोग क्रॉस करते थे, यहाँ पे हम सेकंड लेयर में अगेन इसी डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लाइंस की डेंसिटी बढ़ा देंगे और यहाँ तक नहीं ले करके जाएंगे उसको। ओके, तो कुछ इस तरीके से। तो जहाँ पे आपको डार्केस्ट एरिया चाहिए वहाँ पे आप लाइंस की डेंसिटी बढ़ाते जाओ, एंड जहाँ पे आपको लाइट एरिया चाहिए वहाँ पे लाइंस की डेंसिटी कम रखना, लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रखना, एंड लाइंस की थिकनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग हैचिंग का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कर्व लाइंस का यूज़ करेंगे। ये एक डिफरेंस होता है। जो आपका हाईलाइट एरिया है वहाँ से आप हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो कर्व्स में इस तरीके से। ओके, तो पहली लेयर हम हल्की रखेंगे। तो इसका फंडा कुछ कुछ इसकी तरह ही है कि जैसे यहाँ पे हम लोग डार्कनेस के लिए डेंसिटी बढ़ा रहे थे लाइंस की, यहाँ पे हम लोग डार्कनेस के लिए अगेन डेंसिटी बढ़ाएंगे कर्व्स की। अब ये हमारा डार्केस्ट एरिया होने वाला, तो अब हम यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देंगे लाइंस की।
ये कंपैरेटिवली इन दोनों से ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। एंड अगेन हाईलाइट तक आते आते हम लोग प्रेशर कम कर देंगे लाइंस का। तो कुछ इस तरीके से कॉन्टोर लाइंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए। फोर्थ तरीका होता है स्ट्रिपलिंग का। तो स्ट्रिपलिंग में हम लोग डॉट्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे डॉट्स बनाते हैं, बहुत ही टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये इसका भी अपना अलग ही इफेक्ट आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेन को वर्टिकली पकड़ के इस तरीके से डॉट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक डॉट को मैनुअली बना सकते हो। तो यहाँ पे भी यही वाला फंडा है, डेंसिटी वाला ही फंडा है कि जहाँ पे हमें डार्क चाहिए वहाँ पे हम डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे, जहाँ पे हमें लाइट चाहिए वहाँ पे हम डॉट्स की डेंसिटी कम रखेंगे। और हम डॉट्स के साइज़ से भी यहाँ पे खेल सकते हैं कि जहाँ पे हमें डार्क रखना है वहाँ पे हम डॉट्स भी थोड़े बड़े बना सकते हैं। एंड जैसे जैसे हाईलाइट के पास आते जाएंगे हम लोग डॉट्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई है। सेकेंड लेयर में हम लोग डॉट्स की डेंसिटी बढ़ा देंगे जहाँ पे हमें डार्क चाहिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अब मैं यहाँ पे डॉट्स का साइज़ भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे ये थोड़ा जल्दी हो जाए। तो आई थिंक इससे थोड़ा सा पता चल पा रहा होगा आपको कि इससे किस टाइप का इफेक्ट आप ला सकते हो। तो पांचवा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग। तो स्क्रिबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रैंडम कर्व्स बनाते रहते हैं एंड अगेन उसकी डेंसिटी और थिकनेस से हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पर हमें डार्क एरिया चाहिए और कहाँ पर हमें लाइट एरिया चाहिए। तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये स्प्रिंग जैसा पैटर्न बना रहा हूँ एंड बहुत ही हल्के हाथ से। एंड यहाँ पे हमें हाईलाइट्स बचा के रखनी है पहले की तरह। तो यहाँ तक आते आते हम लोग पेन पे उसे प्रेशर हटा लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमारा डार्क एरिया है तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैप करते रहेंगे मल्टीपल लेयर्स में, इससे हमारा डार्क एरिया बन जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो इसको जिस तरीके से दिखता है। एंड जो लास्ट है ब्लेंडिंग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें एक एडिशनल चीज़ की ज़रूरत है, ये ईयरबड्स की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो डार्केस्ट एरिया है वहाँ पे हम लोग पेन की इंक को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे एंड उससे काफ़ी सारी इंक पेपर पे आ जा रही है। फिर कॉटन स्वाब से इसको मैं ब्लेंड कर दूंगा, तो काफ़ी स्मूथ इफेक्ट आता है इससे। एंड लास्ट में जो चीज़ पर्सनली मुझे करना पसंद है, तो जो डार्केस्ट एरिया होता है वहाँ पे मैं एक बार ब्लैक पेन से भी एक लेयर मार देता हूँ हल्की सी। तो अगर आपको एक पेन यूज़ करने की कोई लिमिटेशन ना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। तो इससे जो डार्क एरिया है वो और ज़्यादा डार्क लगने लगता है। एंड इसको आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली बस आपको एक ब्लैक पेन से लेयर लगानी है, जो भी डार्केस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड लाइटर एरियाज़ में इसको लाइट करते ले जा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।